खबर शामिल करते हैं हैदराबाद लतीफाबाद नंबर 10 से, जहां हमारे नुमाइंदे काजी अमीन के मुताबिक हैदराबाद लतीफाबाद नंबर 10 में इंक्रोचमेंट के हमले पर कब्जा माफिया की जानिब से फायरिंग, हमले के कई अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट कर रहे 10 नंबर से काजी अमीन। हैदराबाद लतीफाबाद यूनिट नंबर 10 के कदीम कब्रिस्तान पर नाजायज काबजीन की जानिब से बल्दिया आला हैदराबाद के इंक्रोचमेंट के हमले पर धावा जदीद असला इस्तेमाल किया गया, फायरिंग की गई जिससे 3 बल्दिया के मुलाजमीन ज़ख्मी हो गए जो कि सिविल अस्पताल हैदराबाद में ज़ेर इलाज हैं। समाज के सिलसिले में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पर कब्रिस्तान के बारे में जो सब लोगों को पता है कि वहाँ पर लैंड ग्रेबर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उन्होंने कब्रिस्तान की अच्छी खासी जगह पे कब्ज़ा कर लिया है। कल भी रात एक बंदा है जो वहाँ पे पुराना जो है लैंड ग्रेबर है और उसने कई जगह पे कब्ज़ा किया था, उसने रात को कब्ज़ा किया तो उसके बाद हमारा अमला जो है वो उसको तोड़ने के लिए गया। तोड़ने के लिए जब गया तो उसके रिएक्शन के ऊपर उसने उस पर फायरिंग की और हमारे 3 लोग ज़ख्मी हो गए। अच्छा, ये रूटीन की कार्रवाई होती है और इसमें हमारे साथ पुलिस फोर्स नहीं होती है, हमारा अपना अमला जो है रोज़मर्रा की बुनियाद पे ये काम करता है। लेकिन चूँकि लैंड ग्रेबर एक बड़ा असर व रसूख भी रखते हैं और अपना जो है अमल करने के साथ साथ वो रिएक्शन भी देते हैं, तो उसकी वजह से ये अमल हुआ। लेकिन हमने SSP साहब से बात की और उन्होंने हमें मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया है कि जो भी लैंड ग्रेबर है उसके ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई होगी और FIR हमने दर्ज करा दी है और हम अपने मुलाजमीन के साथ हैं। ये हमारे हीरोज़ हैं कि जो खिदमत भी कर रहे हैं और उस खिदमत के सिले में उनके साथ जो मामला हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।